एक तरफ जहां सरकार सभी वर्ग के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत छात्रवृत्ति फॉर्म योजना के साथ जोड़ती है, बच्चों को छात्रवृत्ति देती है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहां पे छात्रवृत्ति तो आ रहे हैं लेकिन बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण प्राथमिक विद्यालय भटवा, जहाँ पे बच्चों को पिछले साल कुल 136 नामांकित बच्चे थे, उनके लिए छात्रवृत्ति आया लेकिन किसी बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं मिली। ये बताइए, पिछले साल आपकी छात्रवृत्ति मिली थी? नहीं मिली थी। ये सब लोग बता रहे थे, हम लोग को तो नहीं, यहाँ पर आके बोल रहे थे कि आप लोग का छात्रवृत्ति आ चुका है, हम कुछ ही दिनों में बांट देंगे। मगर बोले कि प्रधान साहब अभी निकाल कर बैंक से पैसा लिए हैं, तो क्या हुआ अभी फिर बांटे ही नहीं छात्रवृत्ति। ये बात आपको कौन बता रहा है? सर, उससे पहले आपको छात्रवृत्ति मिलता था? हाँ। तो उस पैसे का आप क्या करते थे? ये जो नहीं रहता था वो सामान में हम खरीद लेते थे, जो घटता था उसको सामान ले लेते थे। जो बच्चों का यूनिफॉर्म आया था वो हमने बटवाया, उसके बाद ये पता चला कि 28 बच्चों का स्कॉलरशिप आया हुआ है, उसमें वो जो पैसा निकला वो है जूनियर और प्रधान के खाते से निकला। वो कहे सोमवार को बांटेंगे या मंगलवार को बांटेंगे, ऐसे कहते कहते पूरा ईयर बीत गया और ये स्कॉलरशिप बटा नहीं। इसको हम बहुत अच्छा तरीके से जानते हैं कि स्कॉलरशिप बच्चों का आया था। आपके लेके यहाँ पढ़े ना, आपके आपके लेकर के छात्रवृत्ति मिल रहा है? आप एक पता लगाओ मिली? तो का पता चल रहा है बात की कालिश की ना जाए गुरु जी से ना आप पता लगाओ मिली? आपके लेकर यहाँ पढ़े ना स्कूल में? हाँ, स्कूल में पढ़ा। पिछले साल लेकिन का छात्रवृत्ति रुक गई, तो आपके लेकर के मिल रहा है? जब केहू ना मिला तो हमारे लेकर मिली, और प्रधान जी ना पढ़ रहे गुरु जी प्रधान जी दोनों जाने मिल के, अब चाहे खाई लो चाहे प्रधान आके खाई। अब हमारे चार जाता पिछड़ो साल एक लड़के पा जा रहा, आखिर लड़के गरीब एक न पढ़ रहे थे। मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया ताकि आप सभी हमारा सहयोग करें, जितने भी 136 नामांकित बच्चे हैं सबको छात्रवृत्ति मिले। छात्रवृत्ति की समस्या के लिए आप सीधे बेस से ऑफिस फोन करें, उनके ऊपर दबाव बनाएं। उनका नंबर है 055-222-204। मैं संजय कुमार, महाराजगंज उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।